एफएम के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विस्कस फ्लो पढ़ रहे थे, विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। विस्कस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स का एक लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ था, उसके बाद सेकंड लेक्चर शुरू किया था अपना विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स। विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स में भी अपना आधा कंप्लीट हुआ था। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया था, उसके बाद वहाँ से हमें इक्वेशन मिला था डेल पी बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा, और वो होने के बाद हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट किया था। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया था, ये हमने शियर स्ट्रेस का अभी तक फाइनल फार्मूला नहीं मिला है, लेकिन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट किया था, राइट। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या मिला था, एक बार लिख रहा हूं मैं फिर से, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू म्यू डेल पी बाय डेल एक्स और ब्रैकेट में टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से अपना फॉर्मूला मिला था कल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। यहां तक हमने कंप्लीट किया था, तो ये अपने काम की चीज है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिला था, ठीक है। अब आज अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा, आज उसके बाद वाला आर्टिकल देखते हैं क्या करना है। तो थर्ड जैसे पाइप में भी हमने कैलकुलेट किया था, थर्ड हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी ये कैलकुलेट करना है। अब वेलोसिटी का हमें एक्सप्रेशन मिला था, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू म्यू डेल पी बाय डेल एक्स टी बाय माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो व्हाट वाज टी, टी इज गैप बिटवीन टू प्लेट्स, ये दो पैरेलल प्लेट्स है, दोनों को फिक्स किया हुआ है, दोनों के बीच में गैप है टी। वेलोसिटी जो मिली है मैं फिर से एक बार लिखता हूं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें कल मिला था अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पैरेलल प्लेट, अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ, अलोंग बोलने से अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट्स क्या मिला था, यू इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू म्यू, माइनस वन बाय टू म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इन ब्रैकेट टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। यहां से हमें ये पता चल रहा है, चलो इसको इक्वेशन नंबर तीन से इसे इक्वेशन नंबर वन देता हूं। यहां से हमें ये पता चल रहा है दैट वेलोसिटी इज वेरिंग विद द स्क्वायर ऑफ वाई, वेलोसिटी इज वेरिंग विद द स्क्वायर ऑफ वाई, इट मींस दैट अगर वाई के स्क्वायर के हिसाब से वेरी हो रही, मतलब पैराबोलिक इक्वेशन, राइट। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, लास्ट में हम देखेंगे इसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले अपन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं कैसे आ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस प्लेट के अक्रॉस अपन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेंगे तो यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा, लेट्स से दीज आर टू प्लेट्स और वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन क्या लाऊंगे, टी था दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, टी था। अब इस क्रॉस सेक्शन के अलावा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ये अगर अपन ड्रॉ कर लेंगे तो कैसा है, देखो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ वाई, इट मींस दैट वेलोसिटी इज वेरिंग पैराबोलिकली अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लेट, राइट। अब अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, मतलब क्या कि एकदम वॉल जहां पर है इस प्लेट के ऊपर वेलोसिटी कम है, जीरो है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी और ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी, बढ़ते 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 जाएगी सेंटर तक, मैक्सिमम हो जाएगी सेंटर पे, मैक्सिमम हुई है वेलोसिटी सेंटर पे, मैक्सिमम हुई है, फिर से कम कम होते जाएंगी और वॉल पे जाके फिर से जीरो होगी, मतलब फिर से प्लेट के ऊपर जाके जीरो। इस तरह से वेलोसिटी का पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन के अलावा पैराबोलिकली वेरी करती है, राइट। यहां पर मैक्सिमम, दिस इज द सेंटर ऑफ योर प्लेट, सेंटर ऑफ प्लेट मतलब कितना कितना डिस्टेंस है वो, अगर t के फॉर्म में बताएंगे तो t इक्वल्स टू y बाय 2, y इक्वल्स टू t बाय 2, सॉरी यहां पर सेंटर पे कितना होगा y की वैल्यू, y इक्वल्स टू t बाय 2, हाफ ऑफ द t, y इक्वल्स टू t बाय 2 बराबर सेंटर पे, ठीक है, y इक्वल्स टू t बाय 2 पे मैक्सिमम होगी वेलोसिटी, और ये आपको पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मिला है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
कैसे है पैराबोलिक, कहां से पता चला, इस इक्वेशन से, y के स्क्वायर के हिसाब से भैया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी का रेशियो। इसमें से मैक्सिमम वेलोसिटी अगर चाहिए तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, देखो यहां पर शुरुआत में जब प्लेट के ऊपर है, प्लेट के ऊपर वेलोसिटी जीरो है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे और बढ़ेगी, थोड़ा सा ऊपर जाओगे बढ़ेगी, सेंटर पे जाओगे मैक्सिमम होगी और फिर से कम 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 होते जाएगी। मतलब जीरो है वॉल पे, जीरो है प्लेट पे, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, ऊपर जाओगे बढ़ रही है, ऊपर जाओगे बढ़ रही है, जब तक आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो मैक्सिमम हो जाती है वेलोसिटी, मैक्सिमम होगी सेंटर पे। इट मींस दैट अगर मैं यहाँ पर y = t/2 पुट करूँ, मतलब सेंटर का पॉइंट पुट करूँ, तो वेलोसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट t = y/2 एट सेंटर। इस इक्वेशन में y = t/2 पुट करेंगे, y = t/2 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट सेंटर, देयरफॉर पुट y = t/2 इन अबो इक्वेशन, और उससे जो वेलोसिटी मिलेगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो u max = इसमें y = t/2 पुट करो, 1/2 न्यू डेल पी बाय डेल एक्स, वैसे के वैसे ty - y² t तो वही y की जगह पर t/2 माइनस t² का स्क्वायर, मतलब t² / 4। सो सिंपलीफाई करके देखते क्या मिलता है। u max = -1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, डेल पी बाय डेल एक्स, और उसके बाद ये t² / 2 माइनस t² / 4, t² / 2 माइनस t² बचो, एक बार सिंपलीफाई करते हैं, t² / 2 माइनस t² / 4। फिर u max = क्या मिलेगा, u max = -1/2 mu del p by del x into t² / 2 minus t² / 4, मतलब t² by 4। अब ये t² / 4 इस तरह से लिखने से अच्छा ये 4 मोमेंट 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फाइनली क्या मिलेगा, दिस मच into 1/8 mu minus 1/8 mu into del p by del x t², this is your u max, this is your maximum velocity। इसको मैं इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर लगता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं, कल का हमें इक्वेशन मिला था ये, तो इसको कुछ एक स्टार मार्क करता हूँ। दिस इज योर लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 और ये हमें मिला है मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी का रेशियो। अब मीन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे पाइप फ्लो में हमने मीन वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, यहाँ पर भी वैसे ही मीन वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। मीन वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, डिस्चार्ज अपॉन एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस प्लेट अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लो, बराबर है, क्रॉस सेक्शन का एरिया फ्लो कितना, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो कितना होगा, जिस पैसेज से ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लो का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ये थिकनेस टी, दोनों के बीच में गैप जो है टी, मल्टीप्लाई में उसकी यूनिटी अपने वेट ले थी, कल ही देखा था, तो t into 1 ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट, और डिस्चार्ज कितना होगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया मतलब वेलोसिटी, तो इस दो प्लेट के बीच में जाने वाला डिस्चार्ज, इससे थ्रू जाने वाला डिस्चार्ज अपॉन इसको परपेंडिकुलर टू एरिया होगा, एरिया डिस्चार्ज अपॉन एरिया से हमें मीन वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन बात यह है कि डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कल ये एलिमेंटल एरिया कंसिडर किया था, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया था, वहां पर फोर्सेस वगैरह सब कंसिडर करके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया था, सब कुछ ओके था। अब इसी एलिमेंट से जाने वाला अपन डिस्चार्ज पहले पता करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरे प्लेट के बीच में से जाने वाला टोटल डिस्चार्ज पता चलेगा, फिर टोटल डिस्चार्ज मिलने के बाद हम उसको टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको मीन वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो पहले हमें चलते बाद में लिख लेता हूं मीन वेलोसिटी, मतलब नाउ तो मीन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन वेलोसिटी मतलब क्या, यू बार, मीन वेलोसिटी इज
रेशो ऑफ डिस्चार्ज टू एरिया, रेशो ऑफ डिस्चार्ज टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेकिन कौन सा डिस्चार्ज, इस दो प्लेट के बीच में से जाने वाला डिस्चार्ज, कौन सा एरिया, तो एरिया फ्लो क्रॉस सेक्शन, इस फ्लो को परपेंडिकुलर जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो एरिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। एरिया तो हम जानते हैं टी इंटू वन यूनिटी वेट, डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए इस एलिमेंटल एरिया के थ्रू जाने वाला पहले डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको टोटल डिस्चार्ज में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन करके। तो डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस एलिमेंटल एरिया विल बी डिस्चार्ज थ्रू एलिमेंटल एरिया, उसको हमने डी क्यू बोला हमने, सो डी क्यू विल बी हो, डी क्यू विल बी एरिया इनटू वेलोसिटी टू एरिया, राइट। लेकिन कहां की वेलोसिटी, तो वाई जितने डिस्टेंस पे आपने एलिमेंट कंसीडर किया था, वाई जितने डिस्टेंस पे इस बॉटम प्लेट से, वाई जितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, कौन सा एरिया, इस एलिमेंट का एरिया, कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया एलिमेंट का कितना होगा, ये डी वाई जितने हाइट का एलिमेंट है उसकी विड्थ यूनिट होगी, तो डी वाई इनटू 1 दिस विल बी एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट से पास होने वाला डिस्चार्ज कैलकुलेट करना, डिस्चार्ज टू एलिमेंट इक्वल्स टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी थ्रू दैट एलिमेंट, राइट। डिस्चार्ज इक्वल्स टू वेलोसिटी थ्रू द एलिमेंट, वेलोसिटी थ्रू द एलिमेंट मतलब कहां, वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द बॉटम प्लेट, राइट, वेलोसिटी एट डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम बॉटम प्लेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट से पास होने डिस्चार्ज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कितना होगा, ये वेलोसिटी कितनी होगी, y जितने डिस्टेंस पे बॉटम से लेकर y जितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला था -1/2 में, तो उतनी ही वेलोसिटी होगी यहां पर, सो dq विल बी इक्वल्स टू -1/2 mu इनटू डेल p / डेल x इनटू ty - y स्क्वायर, ये होगी वेलोसिटी वहां की मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा डेल्टा वाई इंटू वन, उसकी हाइट है डेल्टा वाई इस एलिमेंट की, मल्टीप्लाई बाय यूनिटी विड्थ है उसकी बोर्ड को परपेंडिकुलर, यूनिटी विड्थ हमने कल कंसीडर की थी, वो तो कितना होगा एरिया, वेलोसिटी इनटू एरिया, लेकिन ये क्या हुआ, दिस इज योर डिस्चार्ज टू एलिमेंट, छोटा सा डिस्चार्ज मिला एलिमेंट से, राइट, हमें पूरा डिस्चार्ज चाहिए, अगर पूरा डिस्चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरा डिस्चार्ज चाहिए होगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, तो ये प्लेट की ये एलिमेंट कितना एक्सटेंड हो सकता है वाई डायरेक्शन में, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, अब ये टोटल डिस्चार्ज चाहिए तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहां से बॉटम से टॉप तक मतलब क्या, वाई कहां से कहां वेरी हो रहा है, वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू समथिंग, वाई इक्वल्स टू समथिंग, वाई इक्वल्स टू, ये वाई इक्वल्स टू टी तक वेरी हो रहा है, मतलब y इक्वल्स टू 0 टू t तक हम इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू t dq, इंटीग्रेशन ऑफ dq अप टू 0 टू t मतलब टोटल q, पूरे पैसेज जाने वाला q मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, देखो ये कांस्टेंट है, कुछ चीजें कांस्टेंट है, कौन सी चीजें कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उनको सब कांस्टेंट लेते पहले उनको कांस्टेंट लेते, ठीक है, ये -1/2 म्यू कांस्टेंट है, डेल पी बाय डेल एक्स कांस्टेंट है, उनका कोई काम नहीं इंटीग्रेशन में, जो वेरिएबल्स है 0 टू t ty - y² dy, इसका इंटीग्रेशन हम कंप्लीट कर लेंगे, सो q इक्वल्स टू व्हाट, -1/2 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ty - y² विद रिस्पेक्ट टू y, ty का इंटीग्रेशन होगा t into y² / 2 - y² का इंटीग्रेशन होगा y³ / 3, इंटीग्रेशन की लिमिट्स है 0 टू t, लिमिट्स पुट करते तो क्या मिलता देख रहे,
माइनस वन बाय टू म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, इंटीग्रेशन के लिमिट्स पूर्ण करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी इंटू टी क्यूब, सर टी इंटू टी स्क्वायर मतलब टी क्यूब, सो टी क्यूब बाय टू माइनस टी क्यूब बाय थ्री, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो ही मिलने वाला है, तो डायरेक्टली क्यू क्यू कितना मिलता है देखते हैं, माइनस वन बाय टू म्यू डेल पी बाय डेल एक्स, टी क्यूब बाय थ्री, सर टी क्यूब बाय टू माइनस टी क्यूब बाय थ्री, थ्री टी क्यूब माइनस टू टी क्यूब अपॉन थ्री टू टू मतलब सिक्स, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, टी क्यूब अपॉन सिक्स मिलेगा, ये टी क्यूब अपॉन सिक्स मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस वन बाय टू इंटू ये सिक्स जो था इसको ट्वेल्व म्यू, टू इंटू माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी क्यूब इंटू टी क्यूब, इसको ऐसे लिखा था, ये क्या मिला आपको, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मिला, लेकिन हमने अभी भी क्या बोला था, मीन वेलोसिटी चाहिए मुझे, मीन वेलोसिटी चाहिए तो डिस्चार्ज को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, ये पूरे पूरे दोनों प्लेट्स के बीच में से जाने वाला डिस्चार्ज मिल गया, अब उस एरिया फ्लो से या एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लो उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मीन वेलोसिटी मिलेगी, फिर मीन वेलोसिटी मिलने के बाद अपना जो टारगेट था रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी, वो दोनों का अपन डिवीजन लेंगे तो फिर आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, अभी डिस्चार्ज तो मिल गया, डिस्चार्ज मिलने के बाद फिर क्या चाहिए था, डिस्चार्ज मिलने के बाद हमें क्या चाहिए था, मीन वेलोसिटी चाहिए, तो मीन वेलोसिटी मिलने के लिए डिस्चार्ज को हमें एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लो से डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं, यहाँ तक समझा होगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मीन वेलोसिटी u बार इक्वल्स टू क्या था, u बार इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, राइट, u बार इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो डिस्चार्ज कितना मिला अभी, अभी माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू, माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी क्यूब, इतना मिला हमें डिस्चार्ज, इसको हमें क्या करना है, एरिया से डिवाइड करना है, कौन सा एरिया, ये पूरे दो प्लेट के बीच का एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है, वो कितना होगा, दोनों का गैप कितना है, दोनों के बीच में प्लेट टी वाई, तो इस एरिया का विड्थ कितना है, ये टी मतलब वन, तो टी इंटू वन, टी है हाइट, विड्थ है यूनिटी, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फ्लो विल बी टी इंटू वन, टी इंटू वन, टी वन जा टी, एक पावर कैंसिल हो गया, बचा टी स्क्वायर, तो फिर यू बार इक्वल्स टू कितना मिला, मीन वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू, माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये मिला आपको, इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर टू बोलता हूँ, अब जरा देखो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को, इक्वेशन नंबर वन में हमें यू मैक्स मिला था, इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर वन में यू मैक्स मिला था, इक्वेशन नंबर टू में यू मीन मिला है, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी मिली है, अब हम ये इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रेशियो लेंगे, वही तो हमें कैलकुलेट करना था, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर वन बाय इक्वेशन नंबर टू, व्हाट विल वी गेट, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर वन बाय इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा, यू मैक्स अपॉन यू मीन यू बार इक्वल्स टू व्हाट, यू मैक्स कितना था, माइनस वन बाय एट म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर था अपॉन अपॉन, ये मीन वेलोसिटी कितनी आई अभी भी, माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू, माइनस वन बाय ट्वेल्व म्यू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डेल पी बाय डेल एक्स
इस तरह से न्यू ऊपर नहीं है नीचे, ठीक है, माइनस वन बाय ट्वेल्व न्यू, पाइप के केस में कितना मिला था ये रेशो, पाइप के केस में ये रेशो मिला था 2, यहाँ पर हमें कितना मिला ये रेशो 3/2। तो दिस वाज योर थर्ड आंसर, रेशो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी। अरे एक ही बचा अपने को, ड्रॉप इन प्रेशर, ड्रॉप ऑफ प्रेशर मेथड करना, यू मैक्स अपॉन यू बार, दोनों का रेशो हमें मिला 3/2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ, ठीक है। This was your important expression. अब हमें फोर्थ देखना है, ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड फॉर द गिवन लेंथ ऑफ पाइप, सॉरी गिवन लेंथ ऑफ दिस प्लेट, ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड फॉर द गिवन लेंथ ऑफ दिस। अब वो कैलकुलेट करते हैं फोर्थ वाला। नाउ ड्रॉप इन प्रेशर हेड फॉर गिवन लेंथ, मतलब HF, प्रेशर हेड मतलब प्रेशर का ड्रॉप, HF कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाइप में कैसे किया था, प्रोसेस सेम है, पाइप में जैसे किया वैसे ही यहां पर करना है। पाइप में हमने क्या करता, मीन वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको यूज किया था, मीन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहां पर कितना है, u min = -1/12, वही यूज करना है। वी नो u min = -1/12 mu del p by del x, del p by del x into t square। अब यही से हमें ये drop in pressure calculate करना है, same to same process, del p by del x को एक तरफ लगता है, बाकी सबको एक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो del p by del x को अपन एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ, -1 u bar, ये माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इस तरफ करते काम करते, ठीक है, इस तरफ माइनस साइन उस तरफ ले गए, यू बार इंटू 12 म्यू इंटू अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए ड्रॉप इन प्रेशर, एक काम करते हैं, डेल पी को एक तरफ लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि पहले ड्रॉप इन प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद प्रेशर हेड, डेल पी को सो वॉट माइनस 12 म्यू u bar upon t square into del x, right? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dp कहां से कहां तक, 1 टू 2 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dp 1 टू 2, एक्चुअली ये हमें कैसे करना है, एक्चुअली ये प्लेट्स जो है जैसे पाइप में किया, एक्चुअली ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, नीचे की प्लेट, अपर प्लेट, लोअर प्लेट, और यहाँ पर हमने कुछ एक लेंथ कंसिडर किए हैं दो सेक्शन के बीच में, लगा से दिस वन सेक्शन नंबर 1, दिस सेक्शन नंबर 2, और दोनों के बीच में अपने कितने एक लेंथ कंसिडर किए, कुछ उस लेंथ के लिए ये सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 2 के बीच में जब लिक्विड यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है तो कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ ये पता करना है। यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, तो ड्रॉप इन प्रेशर हेड यानी P1 - P2 ये कितना आया है ये देखना, राइट। तो चलो ये जो पॉइंट है कुछ एक रेफरेंस लाइन से x जितने डिस्टेंस पे है, x1 जितने डिस्टेंस पे है, और दूसरा जो पॉइंट है ये कितने, मतलब दूसरा सेक्शन x2 जितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर x2 - x1 करेंगे तो कितना मिलेगा, लेंथ ऑफ पाइप मिलेगा, x2 - x1 = लेंथ ऑफ पाइप, राइट। उतने लेंथ के लिए अपन प्रेशर ड्रॉप कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, नाउ चेंज इन प्रेशर फ्रॉम 1 टू 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस, ये बाकी सब कॉमन है, ये सब अपना कांस्टेंट है, -12 म्यू यू बार अपॉन टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx कर रहे हैं 1 टू 2, राइट। तो क्या मिलेगा फिर, इंटीग्रेशन दिस विल बी p
पी और इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स 1 टू 2 मतलब पी 2 माइनस पी 1 पी 2 माइनस पी 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 म्यू यू बार अपॉन पी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x और लिमिट्स x2 माइनस x1 मतलब लेंथ फाइनल आपको पी 2 माइनस पी 1 कितना मिलेगा या पी 2 माइनस पी 1 को अपन उल्टा लिख दे पी 1 माइनस पी 2 ये माइनस साइन हट जाएगा यहां तो 12 म्यू यू बार अपॉन पी स्क्वायर इनटू एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब लेंथ ये मिला आपको पी टू माइनस वन पी वन माइनस पी टू ये हो गया प्रेशर प्रेशर ड्रॉप लेकिन अगर प्रेशर ड्रॉप हेड चाहिए आपको ड्रॉप इन प्रेशर हेड चाहिए ड्रॉप इन प्रेशर हेड यहां से यहां तक आते आते कितना प्रेशर हेड कम हुआ दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी विल बी इक्वल टू 12 म्यू u बार इंटू एल अपॉन रो जी इंटू टी स्क्वायर पाइप के बारे में जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था 32 म्यू u बार एल अपॉन रो जी इंटू टी स्क्वायर थोड़ा सा चेंज है बाकी कुछ नहीं तो दिस इज योर फोर्थ एक्सप्रेशन राइट ये आपका लास्ट वाला जो फोर्थ चीज है ठीक ये आपको कैलकुलेट करना था हमने शुरू से लेकर फोर एक्सप्रेशन कंप्लीट किए शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था लास्ट में अपन देखेंगे शियर स्ट्रेस का सिर्फ अपने एक आधा अपना ही फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है सो डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में अपन कैलकुलेट करने वाले अभी करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मीन वेलोसिटी 3/2 आया ड्रॉप इन प्रेशर अभी आ गया इतना HF इक्वल्स टू समथिंग इसको HF क्यों बोलते हैं HF इक्वल्स टू इसका नोटेशन क्या है HF इक्वल्स टू प्रेशर हेड ड्रॉप P1 अपॉन P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू दिस वन ठीक है अब एक लास्ट जो सबसे शुरुआत में कैलकुलेट किया था पाइप में यहाँ पर नहीं हुआ था कैलकुलेट सबसे शुरुआत में वो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं जैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये ग्राफ में ड्रॉ किया है वैसे शियर स्ट्रेस भी हमें ड्रॉ करना है तो लास्ट में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा ठीक है चलो यहाँ तक समझा होगा अच्छे से नोट्स बना लेना सब लोग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत में मिलना चाहिए था लेकिन पूरी तरह से मिला नहीं था तो अभी कैलकुलेट करते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट इस y डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में कहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो अलग रहता है हम जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई ठीक है मुझे बता अपने पास u का एक्सप्रेशन मिला था u इक्वल्स टू -1/2 म्यू डेल v बाय dx इनटू dy माइनस y स्क्वायर तो वही पुट करते देयरफॉर t इक्वल्स टू tau equals to mu into del by del y of minus 1 by 2 mu del p by del x into ty minus y square right तो इसको सिंपलीफाई करते देखते हैं कितना रहा ये tau equals to mu ये del minus 1 by ये minus 1 by 2 mu भी कांस्टेंट है तो mu इंटू माइनस वन बाई टू म्यू कॉन्स्टेंट है आउटसाइड लिया डेल पी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट है आउटसाइड लिया सिर्फ डेरिवेटिव होगा इसका टी वाई माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ टी वाई माइनस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी इक्वल्स टू टी माइनस वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई वन और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई टू वाई टी माइनस टू वाई टी माइनस टू वाई तो ये आपको मिला ये म्यू म्यू कैंसिल आउट हो गया टाउ इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी माइनस टू वाई दिस इज योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो वेलोसिटी जैसे पैराबोलिक के लिए वेरी हो रही थी वेलोसिटी जैसे पैराबोलिक के लिए वेरी हो रही थी वैसे शियर स्ट्रेस देखो शियर स्ट्रेस लीनियरली वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई शियर स्ट्रेस इज वेरी लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू वाई
डेल पी पेडल एक्स कॉन्स्टेंट है, ये टी कॉन्स्टेंट है, तो शियर स्ट्रेस इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई लीनियरली। अब लीनियर अगर वेरिएशन होगा, दूसरी बात लीनियर वेरिएशन तो है लेकिन शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर होगा और मिनिमम कहाँ पर होगा। देखो अगर मैंने टी इक्वल्स टू 0 पुट किया तो कितना होगा, टी इक्वल्स टू सॉरी वाई इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। वाई इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, वाई इक्वल्स टू 0 मतलब बॉटम पॉइंट, तो यहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। अगर y इक्वल्स टू t माइनस 2 पुट किया तो कितना होगा, y इक्वल्स टू t माइनस 2 पुट किया तो t माइनस 3 हो जाएगा, तो शियर स्ट्रेस 0 होगा। तो सेंटर पे शियर स्ट्रेस 0 मिल रहा है और टॉप पे y इक्वल्स टू t पुट किया, y इक्वल्स टू t पुट किया तो वहां पर भी मैक्सिमम मिलेगा शियर स्ट्रेस। तो यहां पर और टॉप पे और बॉटम पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है, सेंटर पे 0 है और शियर स्ट्रेस लीनियरली वेरी हो रहा है। पहले भी बोला था जैसे पाइप में भी लीनियरली वेरी हुआ था शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी पैराबोलिकली वेरी हुआ था, वैसे यहाँ पर भी शियर स्ट्रेस लीनियरली वेरी हो रहा है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना चाहोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा शियर स्ट्रेस, जैसे पाइप में था लीनियरली वेरी हो रहा है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन और बॉटम पे मैक्सिमम, ऊपर जैसे जैसे जाओगे सेंटर की तरफ वैसे वैसे कम होगा, सेंटर पे 0 फिर से बढ़ने लगेगा टॉप तक मैक्सिमम, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम बॉटम पे, सेंटर पे 0 फिर टॉप पे मैक्सिमम और वेरिएशन लीनियर, ये पैराबोलिक वेरिएशन की लीनियर वेरिएशन। दिस इज योर शियर स्ट्रेस वेरिएशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो ये अपने कंप्लीट प्लेट के थ्रू फ्लो था, विस्कस फ्लो थ्रू द पैरेलल प्लेट्स। जितने भी फॉर्मूले हमने देखे हैं एक बार फिर से उसको एक लिस्ट बनाते हैं फॉर्मूलेस की और उसके बाद इसके टॉपिक के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार लिस्ट बनाते हैं जो भी हमने फॉर्मूले शुरुआत से देखे थे इस टॉपिक के ऊपर। पैरेलल प्लेट्स के थ्रू क्या क्या देखे, शुरुआत में हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। तो व्हाट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पैरेलल प्लेट्स, नंबर वन फॉर्मूलेस कौन से लिया क्या देखते हैं। नंबर वन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू -1/2 μ into del p by del x dy minus y square, ये फॉर्मूला देता है, राइट। उसके बाद हमने मैक्सिमम वेलोसिटी टू मेन वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट किया है, मैक्सिमम वेलोसिटी टू मेन वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट किया है, वो आया 3/2। लेकिन यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी, u max equals to आया था। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर पे होती है, यहाँ पर दिख रहा है इस क्रॉस सेक्शन के अलावा। देखो सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी, बॉटम पे मिनिमम मतलब 0 और टॉप पे मिनिमम मतलब 0, टॉप पे 0 बढ़ते सेंटर तक मैक्सिमम हो गई, फिर से कम होने लगी बॉटम पे 0, राइट। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था अपने पास -1/12 μ डेल पी बाय डेल एक्स इनटू पी स्क्वायर, राइट। ये था मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मेन वेलोसिटी यू बार कितनी थी, मेन वेलोसिटी थी -1/8 μ इनटू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू पी स्क्वायर, राइट। मेन वेलोसिटी मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी अक्रॉस द पाइप, एवरेज वेलोसिटी अक्रॉस द पाइप। क्यों ऐसे एवरेज क्यों, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शन के अलावा वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, सबका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, यू बार इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्रेशर ड्रॉप पे कैलकुलेट किया था, प्रेशर ड्रॉप या ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड इतना आया एचएफ इक्वल्स टू ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड ओवर लेंथ इक्वल्स टू 12 μ u बार इनटू एल अपॉन क्या, अपॉन रो जी इनटू पी स्क्वायर, जो पाइप के बारे में कितना था, पाइप के केस में 32 μ u बार l अपॉन रो जी डी स्क्वायर था, क्योंकि वहां पर डायमीटर ऑफ पाइप था, यहां पर अपना गैप बिटवीन प्लेट से t, वहां पर डायमीटर ऑफ पाइप था d, तो वहां पर d था, यहां पर d, ठीक है। इसको अपन h p1 - p2 अपॉन रो जी होता है, दिस इज ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन टू पॉइंट ओवर अ लेंथ, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 हमने शियर स्ट्रेस कैलकुलेट किया, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना था, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू हाउ मच, अभी भी लास्ट में जो शियर स्ट्रेस आया था अपने पास दैट वाज
माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी माइनस वाई, राइट, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इक्वल टू टी माइनस वाई, ये अपने पास शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आया था। ये सब दीज आर फॉर्मूलाज फॉर विस्कस फ्लो थ्रू टू पैरेलल प्लेट्स। सभी फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके ऊपर क्या हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम रुकते हैं। पाइप फ्लो और प्लेट के बीच में फ्लो, ये दोनों कंडीशंस अपने विस्कस फ्लो की कंप्लीट हुई है। दोनों के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं हुए, सिर्फ पाइप के ऊपर के प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम भी अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से और नोट्स बना लेना और प्लीज याद रख लेना, अगले क्लास में अपन इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।